नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। जैसा हम अब तक साइकोलॉजी के 2 से 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में, इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर साइकोलॉजी का कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस है। देखिए बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, वो यही है कि आपको नर्सिंग के अंदर इम्पोर्टेंस बताने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा हो सकता है कंजेस्टेड लिखा हो सकता है कि पॉइंट्स वाइज नहीं लिखा हो, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा हो, पर मैं आपको इसको प्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगा। बट हाँ, फिलहाल ये जो कंटेंट है वो ये एनफ है। ये कंटेंट 8 नंबर के हिसाब से मैंने बनाया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको समझते हैं कि हमें, देखो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है, एक तो इन वर्ड्स को समझना है, ठीक है, और फिर हमें यह समझना है कि इसको मैं लिखना कैसे है। वैसे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूंगा, बिकॉज ये जो कंटेंट है ये तो आप चलो यहाँ से लिख लोगे, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं समझा के आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वही आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो। तो सबसे पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग या फिर रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, तब आपको स्टार्ट करना है साइकोलॉजी की डेफिनेशन से। सबसे पहले आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिख करके करेंगे। फिर आप ये लिखेंगे कि नर्सिंग फील्ड के अंदर कहाँ कहाँ ज़रूरत है ना। तो आपको 1-2 लाइन इससे रिलेटेड लिखना है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या बिहेवियर जो लिविंग थिंग्स होती है उसके बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। नर्सिंग फील्ड, हमारा नर्सिंग फील्ड केयर से जुड़ा हुआ है। हमारा नर्सिंग फील्ड का डायरेक्ट मीन्स होता है प्रोवाइडिंग केयर। हम किसी को केयर तभी प्रोवाइड करवा सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरतें पता हो। हमें जब पेशेंट की ज़रूरतें पता होगी, हमें जब पेशेंट का दिमाग पढ़ना आएगा, जब हमें यह पता चलेगा कि आखिर पेशेंट चाहता क्या है, जब हम उसको समझ पाएंगे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ पाएंगे, तब हमें दरअसल असल में पता चलेगा कि हमें उसके किस टाइप से केयर करनी है, ठीक है। मैं आपको मेजरली 2 चीज़ बता दूँ। एक तो हम साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है इसके अंदर 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे, एक तो हम स्टूडेंट पर फोकस करेंगे, एक हम पेशेंट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो और एक नर्स खुद पे फोकस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। देखिए, एक तो हमें पेशेंट की साइकोलॉजी पढ़नी होती है, एक जो नए स्टूडेंट आते हैं उनकी साइकोलॉजी पढ़नी होती है, एक नर्स की खुद की साइकोलॉजी होती है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड हर ओवन सेल्फ। जो साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट इम्पोर्टेंस यहाँ से शुरू होता है कि नर्स को अपने आप को समझना चाहिए, खुद को समझने में हेल्प करता है। तो ये साइकोलॉजी हेल्प इंस टू अंडरस्टैंड हर ओवन सेल्फ, यानी कि इसके अंदर के जो पॉइंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि नर्स को एक खुद के अंदर इंसाइट डेवलप करना चाहिए, ताकि किन किन के अंदर इंसाइट डेवलप करना चाहिए, उसके मोटिव्स के अंदर, उसके डिजायर्स के अंदर, उसके इमोशंस के अंदर, बिकॉज उसके इमोशंस, उसके मोटिव्स, उसके गोल्स होंगे वही उसके नर्सिंग प्रोफेशन को बेटर बनाएंगे। उसके इमोशंस कैसे हैं, वो क्या चाहता है, उसका एम क्या है, ये सब उसके नर्सिंग प्रोफेसर को अच्छा बनाएंगे। नर्स को हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो यूनिक है ना, यानी कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी ऑफ नर्स, जो नर्स की पर्सनालिटी है वो यूनिक है। फिर हमें ये देखना है कि नर्स को उसकी अंडरस्टैंड करने में, जो भी उसकी वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी हेल्प करेगी। साइकोलॉजी गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगी, और साइकोलॉजी सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करेगी। मतलब कि डिसिप्लिन का मतलब आप समझते हो। चलिए आगे हम जो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो वो आता है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। अब आती है बात, जब नर्स खुद को समझ ली, अब हम बात करेंगे पेशेंट को समझने की। नर्स को समझना है पेशेंट को। देखिए, पेशेंट हो सकता है एक्यूट डिजीज से या क्रॉनिक डिजीज से सफ़र हो सकता है, मे बी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, पेशेंट में भी एक चाइल्ड हो सकता है, एक एडल्ट हो सकता है, या फिर ओल्ड एज पर्सन हो सकता है। सब अपनी अपनी थिंकिंग लेके, अपने अपने बिहेवियर से आएंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले जो नर्स का पहला काम है वो है पेशेंट को अंडरस्टैंड करना। तो इसके अंदर हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको, अगर मान लो पेशेंट पेन से सफ़र कर रहा है, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उसकी फेशियल साइकोलॉजी होगी, वो हमें बता देगी कि पेशेंट पेन के अंदर है, उसको रिलीव देना है पेन से।
ठीक है, तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, उसके एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने में, उसके परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करने में, मतलब कि पेशेंट क्या सोचता है, क्या थिंकिंग लेकर के हॉस्पिटल के अंदर आया है, क्या पहले कहीं बाबा झाड़ा फूंक करवा के तो नहीं आया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी सारी है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे पेशेंट की साइकोलॉजी सब्जेक्ट की हेल्प से। फिर जो तीसरा आता है वो टू रिकॉग्नाइज अबनॉर्मल बिहेवियर। अब पेशेंट आएगा, पेशेंट हो सकता है मेंटली इल हो और मेंटली सफर्ड हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, है ना। तो हमें उसके मेंटल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, उसके अबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, वो करेगा सब्जेक्ट हमारा साइकोलॉजी। तो हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ भी काम आता है नर्सिंग फील्ड के अंदर। फिर काम आता है हेल्प पेशेंट टू एडजस्ट इन द सिचुएशन। देखिए, पेशेंट की हेल्प करना, उसके एडजस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हॉस्पिटल, है ना। एक पेशेंट के लिए, पेशेंट एकदम नए वातावरण के अंदर आता है, वो सोचता है यहाँ क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे उसका इलाज होगा, हज़ारों तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके दिमाग में, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा, क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होगा वो हेल्प करेगा पेशेंट को उसके एडजस्ट करने में सिचुएशन में, यानी कि एडजस्टमेंट इन हॉस्पिटल। जैसे कैंसर पेशेंट आ गए, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आ गए, तो उनके एडजस्टमेंट के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट, अगर हमने उसकी साइकोलॉजी पढ़ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, तो फिर वो हेल्प करेगा पेशेंट को एडजस्ट करने के अंदर, ठीक है। तो चार पॉइंट यहाँ से कवर हो चुके हैं, आप आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फिर जो अगला पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। देखिए, अब पेशेंट की बात होगी, पेशेंट की बात कर ले, अब जो अदर पीपल आते हैं, अदर पीपल्स के अंदर आते हैं जैसे डॉक्टर्स आ गए, है ना, फार्मासिस्ट हो गए, जो भी अदर स्टाफ है जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, पेशेंट हो गया, या फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स। अब देखो, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी तो चिंता में है कि उनका पेशेंट बीमार है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। मान लो कोई बच्चे, उसके मम्मी पापा चिंतित है कि कैसे उसका बच्चा ठीक होगा, है ना। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट उनकी थिंकिंग अंडरस्टैंड करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, एक डॉक्टर है वो क्या चाहता है, कितना कॉपरेशन चाहता है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट। यानी कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट हमारा ओवरऑल गुड आईपीआर एस्टेब्लिश करने के अंदर हेल्प करेगा। अगर हमारी साइकोलॉजी अच्छी है, हमारी साइकोलॉजी की स्टडी अच्छी है, तो रियली हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है वो बहुत अच्छे होंगे, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इससे अगला पॉइंट आता है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट। अब हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है पेशेंट को क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करना, ताकि पेशेंट रिफ्रेश फील करे, अपने आप को अच्छा फील करे, उसको लगे कि हाँ यार, जहाँ जो भी यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, इवन नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है सब्जेक्ट साइकोलॉजी। यानी कि क्वालिटी और कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करवाएंगे तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा, रिकवरी जल्दी होगी, है ठीक है। अब आगे बात आती है हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू एडजस्टमेंट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए, जब स्टूडेंट आता है, शुरू में नीट करके आता है, ट्वेल्थ करके आता है, ठीक है, फिर एकदम से वो क्लासेस लेता है फर्स्ट ईयर में, फिर एकदम हॉस्पिटल में जाता है। अब हॉस्पिटल में एकदम वो नई चीज़ें देखता है, एकदम नए लोग देखता है, तो मे बी वो अनकम्फर्ट फील करे, एडजस्टमेंट फील नहीं करे, उसे लगे कि ये सब्जेक्ट मेरे कितना काम आएगा, कैसे काम आएगा, मैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म करूँगा, कैसे इतना ब्लड देख के मैं अपने आप को टॉलरेट करूँगा, मुझे उल्टी नहीं हो, मुझे चक्कर नहीं आए, है ना। तो ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हेल्प करता है नर्स की, कि हम पेशेंट को, जो भी स्टूडेंट नर्स है उसके कॉन्फिडेंस को समझ सके कि हाँ बेटा, तुम्हें अच्छे से काम करना है, धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन करो, धीरे धीरे फिर आप स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। तो आगे फिर आता है हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। देखिए, अगर हमें साइकोलॉजी की अच्छी स्टडी होगी तो फिर अच्छे से नॉलेज गेन होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की, तो फिर हमारी साइकोलॉजी हेल्प करती है इफेक्टिव स्टडिंग के अंदर। फिर आता है रीएडजस्टमेंट। देखिए, हो सकता है कि पेशेंट को ओवरकम करवाने में होम सिकनेस, घर के अंदर उसको दिक्कत नहीं आई, उसको दूर करवाने के अंदर हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट हेल्प करता है, ठीक है। मे भी हो सकता है पेशेंट बहुत ज़्यादा गाली गलौज करे, फिर भी हम उससे पोलाइटली बात करते हैं, है ना, तो वो रीएडजस्टमेंट के अंदर आते हैं, सारे अब्यूजिव बिहेवियर हो गए, रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस आ गई। रिहैबिलिटेशन का मीन्स होता है, मान लो पेशेंट कार चलाता था पहले, है ना, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों टांगें टूट गई, अब पेशेंट कार नहीं चला सकता, तो वो मेंटली बीमार हो गया, उसको रिहैबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको कुछ नई
उसे कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हैं, हम उसको ब्रेन वॉश करके उसको समझा सकते हैं कि भाई तो अब ये काम कर सकता है, ये काम नहीं मत करना, ये छोड़ देना, कैसे ही करके उसको रिहेबिलिटेट करना, पुनर्आवास दिलवाना, है ना। तो ये सब आता है, जो हेल्प करता है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट करता है। तो आई होप आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंस है नर्सिंग फील्ड के अंदर समझ गए होंगे। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। लिखने का प्रोसेस आपका ये होगा, सबसे पहले आपको एक गोला बनाना है जिसके बीच में लिखना है रिलेवेंस इन नर्सिंग, ठीक है। फर्स्ट पेज ये कवर कर लेगा, फिर इसके अंदर आप ऐसे तीर निकाल दोगे, ठीक है। ये तीर निकाल के आपको सारे जो मैंने ब्लैक पॉइंट लिखे हैं, ब्लैक मार्कर से जो पॉइंट लिखे हैं, आप इनको लिखोगे सेम ऐसे ही गोले बना करके। एक पेज के अंदर आपका ये प्रेजेंटेशन होगा, फिर आपको पॉइंट वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना करके लिखा है ना, वैसे ही सेम टू सेम छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके इनको डिस्क्राइब करना है। इनको डिस्क्राइब करोगे 2 पेज एटलीस्ट लग जाएंगे, तो ओवरऑल 2 + 1 बराबर 3 पेज हो गए। और ये 3 पेज आपको 6 मार्क्स दिलवाने में, 6 से 8 मार्क्स दिलवाने में बहुत एनफ है। अगर आप ऐसा प्रेजेंटेशन करके आते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आई होप आप ये समझे होंगे, आप समझे होंगे कि नर्सिंग फील्ड के अंदर साइकोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।